नमस्कार दोस्तों, अभी तीन आपसे यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे काफ़ी सीखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको जानते हैं वीडियो बनाता हूँ रिलेटेड होते हैं आपको टीचिंग एंड लर्निंग से जो रिलेटेड होते हैं, सी टेट और से टीईटी से रिलेटेड होते हैं, और साथ में जो बीएड के जो एंट्रांस है उससे भी रिलेटेड होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं इन सभी वीडियो को देखना और जानना चाहते हैं, और साथ में बीएड के जो कोर्स है, बीएड के जो पेपर हैं सभी सब्जेक्टों का, उसको भी उसका मैं वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप चाहते हैं सभी वीडियो को देखना तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इंग्लिश मीडियम में, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपको सी टेट से रिलेटेड और बिहार के जो बी एड के एंट्रांस है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि अलग अलग कर दीजिए, एक ही में अच्छा नहीं रहता, तो मैंने उसको अलग कर दिया हूँ आप ही सबके डिमांड पे। यहाँ देख सकते हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन निकल गया आता है कि बाय व्हिच मेथड द स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो मतलब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में सीखता है, तो बाय डूइंग एंड देमसेल्फ। यहाँ देख सकते हैं बाय डूइंग एंड देमसेल्फ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हिच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक्ड द मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर देख सकते हैं, आंसर होगा इसका बी नंबर ऑप्शन, इम्पार्शियलिटी ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी टीचर डू द मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास टीचिंग। तो ये पूछ रहा है कि क्लास टीचिंग में किस तरीके का होना चाहिए इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो सी नंबर ऑप्शन की एक्सटेंसिव यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल्स यानी एड्स। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ज़्यादातर यूज करने के लिए आपको इंटरेस्ट बना सकते हैं क्लास को। अगला क्वेश्चन निकल के आता है 59 नंबर क्वेश्चन, यह है कि यू थिंक दैट द सरप्राइज टेस्ट इज जस्टिफाइड बिकॉज। तो यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं क्या निकल के आता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका, द एबिलिटीज एंड नॉलेज लीव्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी ट्रूली जज्ड थ्रू सच टेस्ट। और अगला क्वेश्चन निकल के आता है 60 नंबर क्वेश्चन, देखें तो 60 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है अ टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू। यहाँ इसका आंसर देखें तो निकल के आता है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, हिज ऑन लाइकिंग, उसके बाद द नीड ऑफ द टाइम, उसके बाद है हिज कैपेसिटी टू वर्क हिज नीड। तो इसका आंसर देखें तो आंसर निकल के आता है बी द नीड ऑफ द टाइम इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन के, चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज मस्ट गेट एजुकेशन बिकॉज। तो ये होगा, ये सी नंबर ऑप्शन होगा, इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निकल के आता है 62 नंबर क्वेश्चन की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी डिसऑर्डर। तो सेकेंडरी डिसऑर्डर कौन सा है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ये आंसर होगा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन निकल के आता है 63 नंबर क्वेश्चन की, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे इज, मतलब कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर है इसका आंसर, देख सकते हैं 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला जो है देख सकते हैं क्वेश्चन 64 नंबर है कि रिहैबिटेशन काउंसिल, देख सकते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, तो ये कब स्थापित किया गया था, तो 1986 में स्थापित किया गया था। और अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट वाज इनहैक्ट, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी एक्ट वाज इनेक्टेड इन, कब ये लागू किया गया था, इनेक्ट में आया था, तो 1995 था ये आंसर होगा 1995। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन की, CBR इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यानी CBR का शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसका फॉर्म क्या है, देख सकते हैं कस्टम बेस्ड रिहैबिलिटेशन, उसके बाद है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, और यहाँ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, उसके बाद कॉस्ट बेस्ड रिहैबिलिटेशन। तो इसका आंसर निकल के आएगा कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। 67 नंबर क्वेश्चन है कि इनके नेरहंत टीचर इज अनदर नेम ऑफ, इसका ऑप्शन है कि अनदर नेम ऑफ रिसोर्स टीचर्स का सर्व ओनली वन स्कूल बोथ है, तो बोथ होगा इसका आंसर, देख सकते हैं सी और
ए और सी होगा अनदर नेम ऑफ रिसोर्स टीचर, उसके बाद होगा सर्विस सर्व द मोर देन वन स्कूल। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटी मीन्स डिसेबिलिटी व्हिच ऑकर्स, तो इसका ऑप्शन निकल गया था बाय बर्थ, बाय आफ्टर वन ईयर आफ्टर बर्थ, नन ऑफ अबव, तो इसका आंसर होगा बाय अर्थ बाय बर्थ जो है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी मीन्स होगा, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी किस तरीके से आता है, मोर देन डिसेबिलिटी, ये आंसर होगा इसका। तो देख सकते हैं आगे है 17 नंबर क्वेश्चन के है कि हाउ मेनी कैटेगराइज ऑफ प्रोफेशनल्स आर कॉल्ड अंडर आरसीआई एक्ट, तो ये था कितने नंबर जो है कि दिया गया था आरसीआई एक्ट के अंदर जो है, तो बी नंबर ऑप्शन यानी 16 किया गया था, 16 जो है कैटेगराइज प्रोफेशनल प्रोफेशनल्स जो है कि आर कवर्ड किया गया था आरसीआई एक्ट के द्वारा। आगे इसका ऑप्शन निकल के आता है 71 नंबर क्वेश्चन के, 21 नंबर क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी डिसेबिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, तो 7 कैटेगराइज जो है कि रिकॉग्नाइज किया गया था पीडब्ल्यूडी 1995 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटेलिटी हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड एट, तो कहाँ है ये मेंटल हैंडीकैप्ड जो है, तो वो है सिकंदराबाद में। यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट, देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी इज, तो ये कहाँ है देख सकते हैं, तो यूएन कन्वर्सेशन फॉर द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ये आंसर होगा। और देख सकते हैं 74 नंबर यानी 74 नंबर क्वेश्चन में है कि बैरल्स ब्रेल्स ब्रेल्स इज बेस्ड ऑन, तो ब्रेल्स इज बेस्ड ऑन होता है राइज्ड, ये आंसर होगा राइज्ड, ये आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है कि डिसेबल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग, तो इसका आंसर देखें तो कौन सा निकल कर आता है, ऑल ऑफ एबव है, मेंटल लेवल है, हेयरिंग लेवल है और विजुअल लेवल है, तो बी होगा इसका आंसर हेयरिंग लेवल। और देख सकते हैं डिसेबल जो है कि हेयरिंग लेवल को मापता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल इज द वर्क इज तो कौन सा होगा, तो ये देख सकते हैं आरसीआई मेरे ख्याल से होना चाहिए आरसीआई। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट में रिजल्ट इन, जो एक्सीडेंट होता है उसमें कौन सब से हो सकते हैं, तो ये चारों है, ऑर्थोपेडिक इम्पेरिमेंट हो सकता है, विजुअल इम्पेरिमेंट हो सकता है और हेयरिंग इम्पेरिमेंट, तीनों हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ एबव होगा। देख सकते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है कि मेंटल रिटेबलेशन इज, देख सकते हैं डिजीज, उसके बाद एब्सेंस ऑफ ब्रेन और स्लो फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो स्लो फंक्शन ऑफ ब्रेन होगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन देखें तो 79 नंबर क्वेश्चन है कि लर्निंग डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंस होगा इसका आंसर, इंटेलिजेंस इसका आंसर होगा, लर्निंग डिपेंड करता है इसके इंटेलिजेंस के। और अगला जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्लाइंडनेस एंड डिफेंस डिफेस यानी इस कौन सी चीज रिलेटेड है, तो न्यूरो डिफेक्ट मोरो डिफेक्ट मेंटल डिफेक्ट, उसके बाद है सेंसरी डिफेक्ट्स, तो ये होगा देख सकते हैं मोटर डिफेक्ट्स पे। ये था लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।